नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज टुडे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 19 सितंबर को अपने कार्यकर्ताओं के साथ पैदल यात्रा करने जा रहे हैं। फिलहाल अखिलेश यादव की ये यात्रा बहुत छोटी, एक मात्र 3 किलोमीटर दूर की है। अखिलेश यादव पहली बार पैदल यात्रा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश इस दिन पद यात्रा से अपनी विरोधियों को बड़ा संदेश देना चाहते हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव विधानसभा में भाग लेने से पहले पैदल अभियान की शुरुआत करेंगे। 19 सितंबर को अखिलेश यादव सपा कार्यकाल से विधानसभा भवन तक पैदल मार्च करेंगे। माना जा रहा है कि इस अभियान के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी करेंगे। अखिलेश यादव अभी तक कोई पैदल यात्रा नहीं करेंगे, हालांकि इससे पहले वे कई यात्रा निकाल चुके हैं। वहीं विधानसभा चुनाव के पहले ही अखिलेश यादव के माध्यम से जनता के बीच जाकर करने पर समर्थन में वोट मांग चुके हैं। वहीं अखिलेश यादव कई मौके पर साइकिल मार्च भी कर चुके हैं। वैसे अखिलेश यादव चुनाव के चिन्ह साइकिल ही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पैदल मार्च निकाल करके अपने विरोधियों को कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि वे जरूरत पड़ने पर एसी कमरे से निकलकर जनता के बीच जा सकते हैं। अखिलेश के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि वे एसी कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं। ऐसा इल्ज़ाम सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी में लगाती है। माना जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव पैदल यात्रा जैसे कोई अभियान चलाना नहीं जानते थे। यह निर्णय तब हुआ जब सपा विधायकों को विधानसभा में धरना देने के अभियान पर रोक दिया गया। अब सपा इस नए अभियान के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेगी।